नवनिर्वाचित दौसा सांसद जिसकोर मीना के द्वारा आज उनके संसदीय क्षेत्र के मतदान अभिकर्ता एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में दौसा संसदीय क्षेत्र की सांसद जिसकोर मीना के स्वागत व आवभगत में दौसा ने भी पलक पावड़े बिछाए। साथ ही नवनिर्वाचित सांसद जिसकोर मीना ने अपने संसदीय क्षेत्र के समस्त मतदान अभिकर्ता एवं कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सबका सम्मान किया है। वियो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रथम बार दौसा संसदीय क्षेत्र की सांसद व दौसा की बुआ जी के नाम से प्रसिद्ध जिसकोर मीना आज अपनी बूथ एजेंट और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए दौसा के एक निजी लोन में समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद जिसकोर मीना ने कहा कि चुनाव में बूथ एजेंट हमारी सबसे छोटी कड़ी है और वही छोटी कड़ी सबसे बड़ा कार्य करती है, क्योंकि बूथ का एजेंट ही हमारी जीत का सूत्रपात करता है और इसके लिए आज हम यहाँ उन्हीं लोगों का सम्मान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनका सम्मान यह भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा और उसके सम्मान से वह भाजपा की मुख्य धारा से जुड़ेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत होगा, संगठन का विस्तार होगा और बूथ एजेंट के दम पर ही दौसा संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान की 25 सीटें जीतने में कामयाब हो पाए हैं। हमारी जीत का आधार हमारा बूथ एजेंट है और उसका सम्मान, उसका आभार प्रकट करने के लिए ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, ताकि वह बूथ के एजेंट यह महसूस कर सके कि वह देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य है। उन्होंने राजस्थान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार वेंटिलेटर की सरकार है और सरकार की मानसिकता उच्च है। स्थानीय AN और JN को ये कहा जाता है कि पानी बंद कर दो, इस तरह की मानसिकता रखते हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता वालों को सबक सिखाने के लिए, उनको ध्वस्त करने के लिए हम सब एकजुट संघर्ष करेंगे, दौसा और राजस्थान की जनता की मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से हम राजतंत्र को चलाएं, प्रजातंत्र है और हम प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के हिसाब से ही चलाएंगे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते कहा कि देश के इस प्रचंड बहुमत से यह सिद्ध कर दिया है कि देश को चलाने की क्षमता सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी में है और आम जनता का विश्वास भी नरेंद्र भाई मोदी में है, जिसके दम पर भी उन्होंने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत देकर नरेंद्र मोदी को मजबूत किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकजुटता से ही यह जीत सुनिश्चित हो पाई है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, दौसा के पूर्व विधायक शंकर शर्मा, बसी के पूर्व विधायक कन्हैया लाल मीना, बांदीकुई के पूर्व विधायक रामकिशोर सैनी, जिला अध्यक्ष घनश्याम बालाहेड़ी, भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गुरुजी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्यनारायण सहारा, भाजपा के जिला संयोजक सत्यनारायण धोकरिया, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उर्मिला जोशी, नीलम सेन, सपना मीना, कलावती गुप्ता, सुमित्रा चौधरी, मीरा भारद्वाज सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वो जीत का आधार हमारा बूथ एजेंट है, हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख है। उन्हीं का मान सम्मान करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए आज हमने इस कार्यक्रम को आहूत किया है। और इस कार्यक्रम में मैं सोचती हूँ कि आप सबकी जो भूमिका है वो हमारी इस इकाई को मजबूत करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए आप भी आगे आइए, ताकि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारी इकाई का वो कार्यकर्ता, वो छोटा कार्यकर्ता ये महसूस कर सके कि वो देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य है।